अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ थोड़ा अपना हूँ शाहिद शबीर बाबा जी और तुम देख रहे हो रणजीत निगारा। व्हाट्स द रणजीत निगारा? रणजीत निगारा इज़ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेंटिका सिटी कैलिफोर्निया स्टेट USA। तो रणजीत निगारा कर की रहा है? रणजीत निगारा पाकिस्तान दे विच विछड़े हुए थोड़े तो गुरधाम जड़े ने उन्हां दी सेवा संभाल दी ड्यूटी निभा रहा है, जिदे विच हले पहले गुरुद्वारा साहिब दे उत्ते साडा काम जिहड़ा वह फिनिशिंग वल जा रहा है। काम इन्ना क बरीक है और इन्ना क खराब होया होया सी कि टाइम इन्ना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। जिस तरह कि आपां तुहानूं पहली वीडियो च दस्सिया कि पहला मटीरियल यूज़ करन तो बाद 6 to 7 दिन सानूं वेट करना पैंदा अगली लेयर वास्ते। वह ड्राई होएगा, अगर उहदा रंग सही निकलिया फिर वह चलेगा, नहीं है कमी बेशी है तो उहदा एडिंग जिहड़ी है वह मटीरियल की घट वध करनी पैंदी है। जिस तरह कि आपां सैंपलां च तुहानूं दिखाया सी, ते साडे नाल मौजूद ने साडे चीफ आर्कीटेक्ट जिहड़े ने रुबाब फातिमा चिश्ती ने, उहनां नाल आपां गल करदे हाँ कि जिस तरह कि असी लास्ट एपीसोड से तुहानूं दिखाया सी, बाहरों उन्होंने तुहानूं दस्सिया सी कि भी असी की अगे करन जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ां तुहानूं असी पहले दिखा भी चुके हैं और उस तो बाद हुण तुहानूं आपां दसने हैं कि असी इस वेले सैकेंड फ्लोर के उत्ते पहुँचे हुए हैं और सैकेंड फ्लोर दे विच आपां तुहानूं की दिखाने लई जा रहे हैं। आ गल करदे हाँ असी रुबाब फातिमा चिश्ती जी ने। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुबाब फातिमा चिश्ती है एंड आई एम हेडिंग द प्रोजेक्ट गुरुद्वारा चुवा साहिब एंड आई एम सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहते हैं, फाउंडेशन के पेज पे आप सारी वीडियोज़ देखते रहते हैं। यू बिन विद अस सिंस अगस्त 2020 और अब खैर से अगस्त 2021 पे हम पहुंच चुके हैं। आपको हर एक स्टेप पे शाहिद साहब और फाउंडेशन आपको अवेयर करते रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि अब कौन सा फेज़ है। लास्ट टाइम जब वीडियो हुई थी तो आपने डॉक्यूमेंट किया था ग्राउंड फ्लोर, हमने आपको दिखाया था प्लास्टरिंग के बाद उसका फसाद किस तरह से ब्रिक रिपेयर वर्क होता है और उसके बाद हम उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। इट्स नॉट एज इफ के अगर ईंट टूटी हुई है तो हमने बस जल्दी से वहाँ पर प्लास्टर भर देना है। 3 ईंटें पास की उतरती हैं, दोबारा रिपेयर वर्क होता है और फिर जाके कंप्लीट होता है। अब भी हम हैं सेकंड फ्लोर पे और हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इधर किस तरीके से काम है। सो बेसिकली ये सेकंड फ्लोर पे प्लास्टर वर्क शुरू हुआ था। अब 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप तराई करते हो 3 दफ़ा जब तक दीवारें खुद पानी एब्जॉर्ब करना बंद करते हैं। फिर उसके बाद आपने फर्श पर प्लास्टिक देखने हैं, 4 लेयर्स में प्लास्टिक की ताकि फर्श ना गीला हो। उसके बाद आप इनको फ्लैट प्लास्टर करते हो, जो आपको नज़र आ रहा है पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी और चौथी पे जहाँ पे फर्मा लगा। फ्लैट प्लास्टरिंग के बाद जो पहला काम है, अब हमने जब गुरुद्वारे की डॉक्यूमेंटेशन की है साथ साथ जब हम काम कर रहे थे, वी डॉक्यूमेंटेड ईच एंड एवरी आर्च। मतलब अगर इस पैनल में आपको 5 आर्चें नज़र आ रही हैं ना, वो टोटल 20 आर्चें हैं लेयर 3, वो 20 की 20 डॉक्यूमेंट हुई हैं। फिर उन 20 की अलग अलग ज्योमेट्री निकली है, उस ज्योमेट्री की लाइव ड्राइंग प्रिंट करा के उसकी बेस पे ये फर्मा बनता है। हाँ, और हर फर्मा इंडिविजुअल है, लाइक इस फर्मे के बाद ये फर्मा वो उधर नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि आर्च में फर्क, और ये 2 सूत्र से लेके 1.5 इंच तक फर्क जाता है। तो जब फ्लैट प्लास्टर डन हो जाते, हमने शुरू किया था छत से। वी स्टार्टेड विद फ्लैट डोम्स, हमने सारी फ्लैट डोम्स कवर की, गलते आए नीचे, गलते के बाद पहले बॉर्डर्स कवर हुए, फिर उसके बाद 3 टक फ्लैट प्लास्टर, जो आपको ये ऑब्लिक आर्च नजर आ रही है, फिर सुराही डाल। गलता जो कर्व आ रहा है छत के साथ नीचे, जिसपे छत खड़ी होती है बेसिकली। फिर उसके बाद आप इसके प्लास्टर वर्क शुरू करते हैं। अब जब पैनल्ड बिल्डिंग होती है ना, जिस तरह ये पैनल्ड बिल्डिंग, उसका फ़ायदा ये होता है कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड एंड एनीवेयर। इट्स नॉट एज इफ के हाँ, वेरी इजी नहीं बट वेरी कन्वीनियंट टू वर्क। मतलब अगर एक बंदा मैंने यहाँ पे लगाया हुआ ना, तो दूसरा बंदा उसके सर पे खड़ा होकर प्लास्टर कर सकता है। दैट्स हाउ वी सेव आवर टाइम। पीसेज में कर सकते हैं, पैनल्स में। तो एक पैनल का दूसरे से कोई खास ताल्लुक नहीं है। प्लास्टर आपने एंड पे जोड़ बना लिया, कसाई करनी होती है वो सब। तो उसमें एडजस्ट लगा रहे हैं, मतलब किसी पर हमारा फर्मा लगा हुआ है तो ये बड़ी हमारी टूटी हुई थी, बिल्कुल डिस्टर्ब, ये बिल्कुल डिस्टर्ब ऐसे था जैसे कोई मसाला किसी ने उतार दिया हो, जबरदस्ती की हो इसके साथ, बिल्कुल ऐसे लग रहा था उसको। तो ये अभी जो लग रहा है, जिस तरह की हमारी पूरी बिल्डिंग पे जहाँ जहाँ पे रिपेयर वर्क था वहाँ पर हमने ये तरीका सारा अपनाया, लेकिन ये मैं कहूँगा कि इस पूरी बिल्डिंग में सबसे खूबसूरत जो आर्चेस थी वो इस फ्लोर की थी, सुराही जो थी। तो इसमें से कुछ तैयार भी की है इसमें से? हाँ जी, ये वाला पैनल तैयार है।
ये आप देख सकते हैं, अब इसकी और इसकी डायमेंशन में 1.5 इंच का फर्क। अच्छा, तो इसका फरमा अलग था, उसका फरमा अलग। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये छोटी आर्चेस हैं। ओके, मतलब ये आपको दिख रहा है छोटी डाटें हैं राइट साइड पे, उससे भी छोटी हैं, और लाइक उसका फर्श ऊंचा है तो वैसे उस डाट में फ़र्क आ गया। हाँ जी, फर्क फर्श में भी फ़र्क है, इसीलिए सारा फर्श इसका उतारा हुआ है, इसका फर्श रीडू करना है। तो अभी अब जब आप देख रहे हैं ना, इतना काम हमने कर लिया सुराही आर्चेस, उसके बाद अब यहाँ से सारा ब्रिक का रिपेयर वर्क होगा। जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था ना, लाल ईंट इसको साथ अटैच होती है ना, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यू सी। मतलब कि किस तरीके से आपको पता चला कि इतना करना है? अच्छा, अभी आप ऊपर जाएंगे ना, हम गुमटियाँ बना रहे हैं। गुमटियाँ इसी प्रिंसिपल पे बन रही है, मतलब उसमें सेम सुराही डाटे हैं, सेम कॉलम्स हैं। सो यू विल गेट टू नो किस तरह से एक एक ईंट बेसिकली ऑन स्केल ड्रॉइंग उनके सामने पड़ी होती है, उस पे वो रख रख के ईंटें डालते हैं। अब इसकी ऑन स्केल ड्रॉइंग प्रिंट हो रही है और 2 दिन में इसको मिल जाएगी। यहाँ पे फिर उसने ये वाली ईंट निकालनी है, पीछे से ये वाली ईंट निकालनी है, यहाँ पे कम्प्लीट करनी है पूरा कट करके, ताकि मजबूत भी रहे। ये मेरा ख्याल है ये घड़ाई वाली ईंट है, इसके खुद पैन वो बनाए काटने पड़ेंगे, काट के वो बनाएंगे, पूरे काटने पड़ने हैं, फिर चिजल करने पड़ेंगे। ऐसे लग रहा है जैसे तोड़ के लगी हुई है, तोड़ के लगी हुई है, यानी कि ये है ना, ये फिर चिजलिंग से करते हैं, ये ग्राइंडर से करते हैं, ये हाथ। अब ये हाथ से स्टोन कार्विंग फिर उसके बाद बाहर से सारा रिपेयर होगा, फिर ये वाले मतलब जो फ्लैट इसकी कर्व आर्च है वो लगेगी, वहाँ पे कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे खिड़कियाँ आएगी। सो वंस इट इज़ ऑल डन, प्लास्टरिंग कंप्लीट है, फिर ही आप खिड़कियाँ बनवा सकते हैं। क्योंकि इसके डोर विंडो स्केड्यूल का मसला ये होगा कि उसमें हम एक स्टैंडर्डाइज खिड़की नहीं दे सकते, सो वी विल मेजर ईच एंड एवरी विंडो एंड डोर्स अगैन इसके हिसाब से, और फिर हर कोई फ़र्क खिड़की दरवाज़ा बनेगा। इस तरह का फ़र्क नहीं है कि यू नो 2 इंच 4 इंच है, सूत्रों का फ़र्क है, लेकिन आपको पता है लकड़ी ने एक्सपैंड करना है, सारा मार्जिन रखना है, तो वो ऑन साइट ही सारा लकड़ी का काम होगा। हाँ जी, लेकिन हमारे लिए सेफर साइड यही है कि हम ऑन साइट यहाँ पे वो मेजरमेंट्स लें और अपना बनाएं। हाँ, इधर ही बनेगा, और कोई दूसरा मतलब बनवा के लाना थोड़े से मुझे लगता है नॉट अ वेरी गुड मूव टू डू। अब ये वाला आप तीनों ट्रांजेक्शन आपको दिख रही है, सामने तराई हो रही है, ये अभी ताज़ा प्लास्टिक और इस पे तराई हुई है, ये कल किया था ना, आज तराई हुई है, आज कसाई होगी, फिर कल इस पे दोबारा प्लास्टर। अब जब सूखता है तो फिर इसका ये रंग है सफ़ेद। हाँ जी, वो ऊपर से क्लियर कर दिया हुआ ना, ऊपर वाला साफ, ये मतलब आप कह सकते हैं किसी हद तक फाइनल है। अभी थोड़ी सी कसाई होनी है, फिर वो नीटनेस आएगी, जो आपको थोड़ी सी एजिंग दिख रही है ना। इसके ऊपर कोई कलर आएगा या कोई? इसके ऊपर अंदर की तरह नहीं, बिकॉज वी डिडंट फाइंड एनी एविडेंसेस ऑफ द कलर्स पूरे गुरुद्वारे में, कहीं भी कलर नहीं मिला, कहीं नहीं कलर, टेराकोटा नजर आ रहा है कि जो टेराकोटा कलर है वो दैट्स द ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल उसका जो हमारा मसाले का। हां, अगर मतलब कल को यू नो इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू इट, और आप कहते हैं पूरी बिल्डिंग में पक्का कली करते हैं, तो जो मर्जी कलर उसमें ऐड करते हैं, उसमें कलर ऐड हो सकता है, नजर आता है जैसे महलात के अंदर या पुराने मुगल आर्किटेक्चर, ब्राइट वाइट मार्बल लाइक फिनिश जो होती है जी जी। वो मैंने बल्कि आपको सैंपल्स दिखाए थे, ठीक है सारा वो सही था, लेकिन मैंने कहा कि अगर इसमें जैसे भी लोग चाहते हैं तो भी कुछ कलर अच्छा सा इसमें आए, थोड़ा वो डल है, फिर करना ये पड़ता है कि पहले इस प्लास्टर को दोबारा चिजल करना पड़ता है, क्योंकि पक्का कली जब बॉन्ड बनना है ना तो वो स्मूथ सरफेस पे, तो फिर पूरा चिजल करके फिर उसके ऊपर पक्का कली है। जिस तरह आपने फिनिश्ड प्लास्टर्ड दीवार पे टाइल लगानी है तो आप पहले उसकी ठुकाई करते हैं, अनइवन करते हैं सरफेस, फिर उसके ऊपर ये, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा खूबसूरत है, नेचुरल फिनिश थी अभी अंदर, लेकिन पक्का कली अंदर प्रकाशस्थान में पक्का कली है, नीचे डबल हाइट्स पे वो आई थिंक, अब जब आप दोबारा आएंगे वीडियो के लिए तो हम पक्का कली इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आइडियल यही आगे तो बंद है रास्ता। अब बेसिकली फ्लैट, एक बंदा फ्लैट प्लास्टर कर रहे हैं, दूसरा बंदा उसकी डिटेल्स कर रहे हैं, जिस तरह फ्लैट को देखें फ्लैट प्लास्टर, मतलब एक बंदा मटेरियल लगा रहा है, दूसरा उसको फ्लैट कर रहा है। बाबा भी कितने दिन आपको नजर आ रहे हैं कभी किसी फ्लोर पर?
महीना अगला सितंबर कम अज कम, क्योंकि अब मौसम बरसात है, सूखने में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है, सूखने में बहुत टाइम लगेगा। यूजुअली ये होता था गर्मी में, अगर हमने नीचे फला, अभी फसाड आप देखें गर्मी में ये किया होता ना सख्त गर्मी में, उसने दो दिन में सूखा। अभी वो टाइम ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ेगा तो बिल्डिंग जल्दी नहीं सूखेगी, तो फिर स्लो हो जाएगा। ओके, हालांकि सीमेंट में ये होता है कि जितनी ह्यूमिडिटी मिलती है वो उतना जो पीती है, ये थोड़ा ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट इसके थोड़े नखरे हैं। ओके, आप ये कह सकते हैं इस मटेरियल के थोड़े नखरे हैं जी। नेक्स्ट थोड़ा सा काम होते पीछे चल रहा है। हाँ जी, उस तरफ जो है अगर आप देखते हैं तो अगर आप इस फ्लैट पैनल पे आएंगे जिस पे दिया दान बना हुआ है ऑन योर राइट साइड इधर, अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट कर लिए, यहाँ पे पुराने दिया दान के असरात मिले जी जी। तो यहाँ पे दिया दान बने जैसे नीचे थे, आपको याद होगा फर्स्ट फ्लोर पे हमने पूरी वीडियो की थी ऑन दिया दान इन जग्स, फिर ये सारे जग रिपेयर होंगे, फिर ये सारे कॉलम्स रिपेयर होंगे, ये अलहदा दो महीने, ये आप समझ लें प्लास्टर फिनिशेस के बाद ये एक महीने का काम है अलग से डिटेल वर्क। आपके सामने है बाहर फसाड पे आपने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया था, सिंपल प्लास्टरिंग थी, इट वाज अ लॉट ऑफ टाइम। अभी आप देख रहे हैं इसी में आपको तीन ग्रेडियंट्स नजर आ रहे हैं, ये गीला है फुल गीला, ऊपर वाला परसों हुआ है वो थोड़ा खुश्क है, तो रंग किस तरह से बदल रहा है इतना अब्रप्टली। हाँ जी, इसके अलावा सुखासन कंप्लीट है, ये हमने पिछली बार इसकी डोम की वीडियो की थी जिसमें मैंने आपको डोम दिखाया था जब हमने रीइंस्टॉल किया था, अब इसका प्लास्टर वर्क कंप्लीट है, अब इसका यहाँ से बाहर से रिपेयर वर्क होगा, इसकी आर्च लगेगी, दिस पार्ट वुड बी कंप्लीटेड, और अब यहाँ से हम डिटेल इसकी शुरू करेंगे, मतलब ये कंप्लीट है ना, इधर आना जाना बंद हो जाएगा, तो यहाँ से हम इसकी ओब्लिक आर्च और फिर जग्स और फिर साइड के कॉलम्स शुरू करेंगे, जहाँ पे फिर आमदोरफ्त कम हो जाती है ना वहाँ पे डिटेल का काम शुरू, ताकि ये क्योंकि ये एक तसला भी लगाना हो डिटेल टूट जाए, जिस तरह से कैरी करते हैं मटेरियल, क्योंकि गीला बहुत है, वंस इट्स ड्राइड तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, अब ग्राउंड फ्लोर पे आप देखें वो ड्राई हो किसी हद तक जी। गुरु प्यारे संगत जी एंड श्रोते, तुसीं देखिया कि आर्किटेक्ट साहिबां ने बहुत डिटेल दे नाल दस्सिया, कि फिर एक बार कहूँगा कि जो नवे देखने वाले ने उन्होंने शायद पहले एपीसोड्स नहीं देखे, तो ये बहुत स्लो मूविंग कह लो कि जिस तरह टर्टल तुरदा कछुए की रफ्तार के नाल, इस तरह यदा काम होंगे खास करके उस बिल्डिंग च। हाँ, नव चनाई करनी हो तो इन प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बिल्डिंग नू रीस्टोर कर रहे हैं असी, यानी कि तुसी आप समझो तो साड़ियाँ बहुत अनगिनत वीडियो पई हुई ने जिद असी बिल्कुल तुहानू टुटी हुई हालत दे विच गुरुद्वारे नूं दिखाया कि जगह जगह तो ओड़ पे हुए है, बारियां निकलियां हुई ने, आक्स टुटियां हुई ने, साड़ी ज्योति जोत जगाण की जिहड़ी जगह है, जोत जगाण की सॉरी जगह है, वह भी मतलब कि टुटी हुई है, बाकी जिहड़ियां बारियां ने वह भी पूरियां नहीं हैगियां, उन्हां दीआं बेसां नहीं हैगियां, उन्हां दीआं कह लो तुसीं कि थम्मियां नहीं हैगियां जिन्हां दे विच बारियां नूं फिट कीता जांदा, तो सो ये थोड़ा जिहा टाइम लगेगा। मैं हाँ तुहाडा अपना होस शाहिद शबीर बाबा जी, और तुसीं देख रहे हो कार सेवा ऑफ गुरुद्वारा श्री पहली पातशाही चोहा बाबा गुरु नानक साहिब, साढ़े नाल मौजूद सन साढ़े आर्कीटेक्ट साहिबा रुबाब फातमा चिश्ती, तो असी सारे रल के प्रजेंट कर रहे हैं रणजीत निगारा नूं, जो कि पाकिस्तान दे विच विछड़े हुए गुरुधाम जिहड़े ने जिहदे लई तुसीं सुबह शाम अरदासां करदे हो, उन्हां गुरुधामां दी सेवा संभाल दी कार सेवा दा जिम्मा जिहड़ा ओ चुक्किया है रणजीत निगारा ने। आओ रल के ते रणजीत निगारा दा हत्थ बणाउने आ, तुसीं कुछ नहीं अगर कर सकते तो तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं, इन्हां मैसेजिज नूं, पिक्चर्स नूं अपने दोस्तां दे नाल, फैमिलीज़ दे नाल शेयर करो, और पाकिस्तान दे विच या किसी भी दुनिया के नुक्कर दे विच रणजीत निगारा की कोई भी किसी किस्म की ब्रांच नहीं है, और ना ही कोई रणजीत निगारा के नाम के उत्ते किसी किस्म का भी कोई भी कह लो तुसी कोई डोनेशन कलैक्ट कर सकता है। चलते हाँ असी उत्ते, देखते हैं साढ़े टॉप फ्लोर के उत्ते इस वेले की चल रहा है।